एशिया कप की शुरुआत जल्द होने वाली है, ऐसे में सारे खिलाड़ियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इंडिया के ओपनर शुभमन गिल, उनकी हर कोई तारीफ करता है, उन्होंने अपने बल्लेबाजी से हर किसी को इम्प्रेस किया है। तीनों ही फॉर्मेट में उनकी सेंचुरी है, ओडीआई में उनकी डबल सेंचुरी भी है। शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बताया है, एक बयान दिया है, उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है और ये भी बताया है कि रोहित शर्मा क्यों उनके फेवरेट ओपनर है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि शुभमन गिल ने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित पावर प्ले में हवाई शॉट लगाना पसंद करते हैं, जबकि मैं गैप खोजकर चौका बटोरने की तरफ देखता हूं। उन्हें छक्का लगाना पसंद है। मुझे लगता है हम दोनों के खेलने की शैली अलग अलग है और इसी कारण ये जोड़ी कामयाब रही है। रोहित उन्हें उनका स्वाभाविक खेल खेलने की पूरी आज़ादी देते हैं। उनके साथ पारी की शुरुआत करना शानदार है, क्योंकि आपको पता है कि विपक्षी टीम का पूरा ध्यान उनके ऊपर ही होता है। ऐसे में दूसरा बल्लेबाज खुलकर खेल सकता है। रोहित शर्मा की बात करें तो उनका करियर जो है वो काफ़ी लंबा है। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो बहुत ही छोटा करियर है शुभमन गिल का अभी, और अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा ही है और कदम रखते ही तीनों ही फॉर्मेट में उनकी सेंचुरी आ चुकी है। इस बात से पता चलता है कि किस लेवल के बल्लेबाज हैं शुभमन गिल। और अगर बात करें इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, तो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती है। जब जब ये ओपन करते हैं तो अच्छी पार्टनरशिप करके दिखाते हैं। और तीसरा जो ओपनिंग पेयर होता है इंडिया का, वो होता है शुभमन गिल और ईशान किशन का। शुभमन गिल और ईशान किशन की बात करें तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड केमिस्ट्री दोनों की हमें नजर आती है। और आपको बता दें कि जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली गई थी तो शुभमन गिल और ईशान किशन ने ही ओपनिंग करी थी। हालांकि दो में इनका ओपनिंग पेयर इतना नहीं चल पाता, लेकिन एक ओडीआई मैच में इन दोनों ने कमाल धमाल मचाया था ओपनिंग करते हुए। और आपको बता दें कि वो मैच हम जीते भी थे। लेकिन एशिया कप और वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी हमें वर्ल्ड कप में नजर आ सकती है। शुभमन गिल का अभी थोड़ा सा रफ पैच चल रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का दौरा जैसा उनका हुआ उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था वो दौरा। अगर इसके पहले की बात करें तो WTC में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, और IPL में भले ही वो 3 सेंचुरी लगा कर आ रहे हो, लेकिन अभी करंट फॉर्म उनका इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ODI की अभी नई ICC करंट रैंकिंग आई है, उसमें शुभमन गिल ने 4th नंबर का पोजीशन जो है वो हासिल किया है। देखना होगा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं, उनका कैसा साथ निभाते हैं। बाकी शुभमन गिल आपके कितने फेवरेट बल्लेबाज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।